हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से दिखाने वाला हूँ गेना फ्री फायर का एक गेम प्ले। और दोस्तों, इस गेम के अंदर जो मेरे को लास्ट का प्लेयर मिला वो था हैकर, और उसको बड़ी मुश्किल से उस प्लेयर के पास से मैंने ये गेम अपनी ओर किया। गेम अपनी ओर किया से मेरा मतलब है कि बड़ी मुश्किल से मैं उस प्लेयर से जीता, और लास्ट में जो भी इस वीडियो के अंदर हुआ वो सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। को किस तरह से स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करते हुए जो गाड़ी चला रहा था, मतलब गाड़ी को एक मिनट में गायब कर रहा था और एक मिनट में फिर से कहीं से आ रहा था, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस गेम प्ले में दिखाऊँगा। और उसके साथ ही इस गेम के अंदर होते हैं मेरे 14 से 15 किल, और मैं किस तरह से वो किल करता हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप करके। मैं यहाँ पे जो मैच खेल रहा हूँ वो है सोलो वर्जन सोलो। और दोस्तों, इसी के साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करने हैं तो बेशक आप लोग अपलोड कर सकते हो। मैं किसी भी भाई को कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा और ना ही मुझे कोई क्रेडिट चाहिए। जैसे आपकी मतलब करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। और सारे के सारे वीडियो जो कि यूट्यूब के जैसे कि अलाउ करता है कि मैं आप लोगों के लिए क्रिएटिव कॉमन रख रहा हूँ, और यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक मैं फिर आप पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे रहा, क्योंकि मैं खुद अलाउ कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हो, या एज इट इज़ जो भी मेरे वीडियोज़ हैं मेरे द्वारा गेम प्ले खेले हुए वो आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। और मेरे जितने भी गेम प्ले के वीडियो हैं वो सारे के सारे क्रिएटिव कॉमन हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं उतरा था, यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्ट्री, और यहाँ पे मिला था मेरे को एक अपोनेंट और मैंने उसको किल कर दिया। और अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ, और लूट करने के बाद फिर हम आगे की ओर फाइट करेंगे। दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक और प्लेयर दिख गया, लेकिन शायद इसका मेरे को लगता है इंटरनेट डिस्कनेक्ट है, या फिर या कुछ बंदा ही खड़ा खड़ा यहाँ पे सोच रहा है। और देखिए दोस्तों, मैंने इसको इजीली किल कर दिया, और इस बंदे ने मेरे पे सामने पलटकर एक फायर भी नहीं किया। तो दोस्तों, एक शायद नीचे की साइड एनिमी है मेरे को लग रहा है, और उसने मेरे पे एक दो बुलेट भी फायर की थी। तो पहले मैं देख लेता हूँ उसकी साइड है वो बंदा। तो यस दोस्तों, मेरे को वो दिख गया, और वो देख सकते हो आप लोग वो नीचे की तरफ है। और ये मैं इस पर हल्का से एम करने वाला हूँ, और ये मैंने इस पर हल्का से एम किया, और ये मैंने उसको भी किल कर दिया। उसके लिए मेरे को किल करना काफ़ी हार्ड था, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ईजी था, क्योंकि मैं ऊँचाई पर था, वो नीचे खड़ा था। तो और मैं यहाँ पे बैठ के मैंने उसको आराम से इजीली किल कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ हो चुके मेरे पास यहाँ पे 3 किल, और चलिए देखते हैं दोस्तों और हम यहाँ पे कितने किल कर पाते हैं। और लास्ट के अंदर जो हैकर मिलेगा उसके बारे में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि इस वीडियो के अंदर है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से कुछ लूट कलेक्ट कर लेते हैं। इन लोगों के पास क्या था, तो ये देख सकते हो इनके पास एक अच्छी गन, स्कारेल जैसी गन थी, लेकिन शायद इस बंदे का नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए ये यहाँ पे खड़ा रह गया, नहीं तो शायद ये भी मेरे पे ज़रूर बुलेट फायर करता। तो हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ वैसे तो कोई खास लूट नहीं दिख रही मेरे को, लेकिन मैं यहाँ से हो सकती है उतना हेल्थ किट यहाँ पे रिकवर करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों हेल्थ किट आप लोगों को जितने ज़्यादा आप उठा सकते हो आप लोगों को उठा लेना चाहिए। और मेरे पे किसी ने पीछे की ओर से बुलेट फायर किया है, और देखते हैं वो बंदा कहाँ है, मेरे को अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन होगा तो इसके अंदर ही होगा, तो मैं ढूंढ लेता हूँ उसको यहाँ पे। और ये लीजिए दोस्तों, मैंने उसको स्पॉट कर लिया, और मैंने यहाँ पर अपनी गन चेंज करने वाला हूँ बिल्कुल दोस्तों, और मैंने ये अपनी गन चेंज कर ली। और वो कहाँ गया, देखो कितनी जल्दी गायब हो गया मेरे को गोली मार के, लेकिन मैं उसको छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। कहाँ हो भाई? अच्छा देखो, ये देख सकते हो दोस्तों कितनी दूर भाग गया है वो। तो बस तू तो गया, ये तो अब बस ये देखिए, इसका मैं किल करता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसका किल कर दिया, गेम ओवर कर दिया। अब देखते हैं इस बंदे के पास क्या क्या लूट थी, और क्या इसके पास माल मटेरियल मिलता है। तो यस, यहाँ पे काफ़ी सारी बुलेट्स वगैरह मिल गई मेरे को, एक बैग मिल गया। और दोस्तों, ऊपर की साइड कोई बंदा, ये देखिए मेरे को कोई हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहा है, लेकिन मैं उससे काफ़ी दूर हूँ इसलिए वो मेरे को हेडशॉट नहीं मार पा रहा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्कोप ऑन किया, और मैं यहाँ पर फायर कर रहा हूँ, और वो शायद भागेगा, लेकिन मैं इसको भी इजीली किल कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मुझे काफ़ी सारी बुलेट फायर की और मेरे को अच्छा खासा डैमेज देने की कोशिश भी की है। तो देखते हैं कितनी दूर तक दौड़ जा सकता है ये दौड़ता हुआ। और ये और ये लीजिए, मैंने इसको अभी इजीली किल कर दिया, लेकिन ये काफ़ी दूर था बंदा। तो दोस्तों, इस तरह की अगर आप लोगों के साथ सिचुएशन क्रिएट होती है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बैठ जाना है, बैठ के एनिमी का पता लगाना है, और उसके बाद आपको स्कोप ऑन करके उस पर बुलेट फायर करनी है। तो आप लोगों को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बंदा या कई बार यार काफ़ी दूरी पर डिस्टेंस पे होता है,
उस टाइम हम बंदे को स्पॉट नहीं कर पाते और वो एक 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 बुलेट कर मार मार के हम लोगों की हेल्थ काफ़ी कम कर देता है और हमें अच्छा खासा डैमेज दे जाता है। इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, बंदा आप लोगों से काफ़ी दूर होता है, सबसे पहले आप लोगों को बैठ जाना है और बैठ के उस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद स्कोप ऑन स्कोप ऑफ करोगे तो आपका जो स्कोप होगा वो अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से खेल रहे हो तो ऑटोमेटिक उस बंदे को डिटेक्ट कर लेगा और बस आप लोगों को फायर करना स्टार्ट कर देना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप लोगों को इस गेम में बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपने बहुत बार देखा है कि आप कंटिन्यू फाइट ले रहे हो और फाइट लेते दौरान आप लोगों की गन में बुलेट ख़त्म हो जाती है या गन रिलोड पे लग जाती है, तो दोस्तों उस टाइम आप लोगों को सिंपली एक चीज़ करनी है, आप लोगों को अपनी तुरंत गन स्विच कर लेनी है। गन स्विच मतलब गन बदल लेनी है और गन बदलने के बाद फिर से आप वही गन करोगे तो ऑटो रिलोड हो जाती है। ये हो सकता है गेना फ्री फायर का एक बग हो या फिर कोई ग्लिच हो, ये मुझे नहीं पता। जैसे कि अभी मेरे पास आप देख सकते हो ये गन है और अगर इस गन की यहाँ पे देखिए बुलेट खत्म हो जाएगी तो सिंपली अगर गन स्विच करूँगा तो ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बैठ के मैंने उस बंदे को स्पॉट कर लिया और यही चीज़ अप्लाई करनी, जब आपसे बंदा काफ़ी दूर हो तो आप लोगों को बैठ जाना है और बैठ के स्कोप ऑन करके उस पर फायर करना है। और ऐसा नहीं कि आप जैसे कि एक बंदा आपने स्पॉट कर लिया तो आप उसी पर कंटिन्यू फायर करते हो और आपको कोई पीछे से मार जाए, नहीं। जो मतलब अगर बंदा भाग गया आपकी मतलब पहुंच से दूर चला गया उसको जाने दें और पास में बंदा हो पहले उसको किल करना ज़रूरी है, क्योंकि जो पास वाला बंदा होगा वो आपका इजीली किल कर देगा, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे होगे उस दूर वाले बंदे को किल करने के लिए लेकिन जो आपकी पीठ के पीछे जो आप पे बुलेट फायर हो रही होंगी वो आपको पता भी नहीं चलती। और अधिकतर मामलों में हमारी नॉकआउट होने की वजह यही होती है। और आप लोगों को ऐसा लगे कि सामने कोई बंदे हैं, एनिमी या प्लेयर हैं, तो आप लोगों को बैठ के सबसे पहले अपनी पोजिशन ले लेनी चाहिए और पोजिशन लेने के बाद आप लोगों को उन पर फायर करना चाहिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पर बैठ गया और मैं इसको हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि सब बोलते बैठना है फिर खड़ा होना है और फिर हेडशॉट मार देना है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई हेडशॉट लगता होगा, ऑटो हेडशॉट होता भी होगा और लगता हो तो भाई मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं यार ये इस गेम को मतलब इस गेम में मैं काफ़ी नया हूँ और काफ़ी मतलब नूब भी हूँ तो कह सकते हो, और हो सकता है कि मेरे से अच्छा आप लोग ही खेलते हो। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी इस प्रीवियस वीडियो में मैंने अपनी जो इस गेम की आईडी है वो आप लोगों के लिए दी है, अगर आप लोग भी मेरे साथ खेलना चाहते हो तो यार मैं भी आप लोगों के साथ खेलना चाहूँगा, तो आप लोग मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो और हम सारे भाई मिल के स्कॉड खेलेंगे। नहीं तो वैसे तो मैं सोलो वर्जन स्कॉड ही खेलता हूँ, तो मेरे पास क्योंकि कोई ना तो कोई दोस्त है खेलने वाले मेरे साथ और ना ही कोई है, तो अगर आप लोग खेलना चाहो तो खेल सकते हो। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपनी आईडी दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपनी आईडी दे दूंगा, फिर गेम प्ले भी रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब चैनल पर भी डालेंगे और आप लोग भी मेरे साथ खेलोगे तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए भी। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों मेरे पास 6 किल और बंदे ने मेरे को स्पॉट किया, बुलेट फायर की और मैंने उसको नॉकआउट कर दिया। इसी के साथ हो चुके हैं दोस्तों अपने यहाँ पे 7 किल, तो मुझे उसमें से कुछ लूट चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। तो देखते हैं इसके पास क्या क्या है, लेवल 3 का बैग है, 2x स्कोप है और यस मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्थ किट की ज़रूरत थी जो कि मुझे मिल चुके हैं। वैसे मेरी हेल्थ अभी है, इतनी ज़्यादा भी डैमेज नहीं हुई, लेकिन दोस्तों इस गेम में फिर से वही बात। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी भी 11 जने अलाइव है और मेरे पास हुए 7 किल, तो देखते हैं हम और कितने किल कर पाते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट की वेट करूँगा और आप जो भी भाई मेरे साथ खेलना चाहते हो आप लोग खेल सकते हो, क्योंकि दोस्तों मेरे पास रियली कोई भी फ्रेंड नहीं है इस गेम में ऑनलाइन खेलने वाले। और यार आप लोग मेरे साथ खेलोगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की क्या बात है, मैं अपने दोस्तों अपने सब्सक्राइबरों अपने भाइयों के साथ खेल रहा हूँ। और जो भी मैं खेलूँगा वो मैं अपने बेशक यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों के साथ जो भी गेम प्ले होगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा और आप लोगों का बेशक नाम लूँगा मतलब अपने वीडियोस के अंदर के, और इससे आप लोगों का भी चैनल थोड़ा बहुत ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ा लालच तो मेरा ये है कि मैं यार आप लोगों के साथ गेम खेलूँ, मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं भी अपने सब्सक्राइबरों के साथ गेम खेलूँ, जो कि बड़े बड़े गेमर हैं, पता नहीं उन लोगों को तो यार अपने सब्सक्राइबरों की कदर है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए यार आप बहुत कुछ हो, तो आप मेरे को रिक्वेस्ट डाल देना और मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा और जो भी भाई मेरे साथ खेलेगा तो हम सारे मिलके गेम प्ले करेंगे। और आप में से अगर किसी के पास ग्रुप हो तो हम अपना एक ग्रुप भी बना लेंगे इस गेम के अंदर और ग्रुप में फिर सारे मिलके खेलेंगे और एक दूसरे का
सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा चैनल भी ग्रो होगा और आपसी तालमेल भी बढ़ेगा। ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसके साथ हो चुके हैं मेरे पास 9 किल और 8 बंदे अभी अलाइव है, तो मेरे को भी यहाँ पे 7 बंदों को और किल करना है। और जो लास्ट का बंदा होगा वो होगा हैकर, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जो गेम होगा वो दिखाऊँगा यहाँ पर, किस तरह से मैं फ़ाइट करता हूँ उससे और किस तरह से मैं इस गेम को जीतता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे एक हेल्थ किट यूज़ कर लेता हूँ और ग्रेनेड तो मैंने उठा लिया, लेकिन मैंने आज तक कभी ग्रेनेड का यूज़ नहीं किया गन में, और कैसे ग्रेनेड का यूज़ करना था बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो मेरे को इस गेम के अंदर पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे को इस गेम को खेलते हुए सिर्फ 7 से 8 ही दिन हुए हैं। और जब से खेल रहा हूँ तब से मैं जो भी मेरे पास वीडियो होते हैं मैं अपने चैनल पर भी अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अपने चैनल पर वीडियो को डाउनलोड कर सको और आप लोग भी अपने चैनल को ग्रो कर सको। तो ये देखे दोस्तों फायर कर रहा है और मैं शायद देखता हूँ इसको किल कर पाता हूँ कि नहीं। ओबियसली दोस्तों मैं इसको किल कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा गेम खेला हुआ है और मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ इस पर। दोस्तों मेरे पास पीछे से भी बुलेट फायर हो रही है और आगे वाले बंदे को तो मैंने किल कर दिया, इसी के साथ हो चुके 10 किल और 6 बंदों को मेरे को और किल करके इस गेम को जीतना है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो गई, मेरे पास हेल्थ किट भी नहीं है। और ये देखिए दोस्तों सामने की साइड से एक बंदा मेरे पर बुलेट फायर कर रहा है, तो देखिए मैंने यहाँ पर गन स्विच की और इसको हल्का सा डैमेज दिया और ये भाग रहा है, और ये लीजिए मैंने इसको भी यहाँ पे किल कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 11 किल और अभी भी 6 जन अलाइव हैं, जिसमें से मेरे को 5 को और किल करना है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो सर्कल ने मेरे पे पुश कर दिया है और सर्कल मेरे को भी पकड़ लेगा, और ये देखिए दोस्तों सर्कल से मेरी हेल्थ यहाँ पर डैमेज होते हुए, और देखते हैं बच पाता हूँ कि नहीं पाता। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस सर्कल से जल्दी जल्दी फटाफट निकल जाऊँ, और मेरे पास अभी भी एक हेल्थ किट पड़ा हुआ है और एक ग्रेनेड पड़ी हुई है, और मैं दौड़ते ही जा रहा हूँ। और जो मेरे पास हेल्थ किट है मैं इस सर्कल से पहले बाहर निकल जाता हूँ, उसके बाद इस हेल्थ किट को यूज़ करता हूँ। अगर यहाँ पर कोई बंदा हुआ मतलब सेफ़ जोन में और वो मेरे पे फायर करेगा तो वो मेरा इजीली किल ले लेगा और मेरी सारी मेहनत यहाँ पे पानी में जा सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास ओबियसली 11 किल हो चुके हैं और 5 जन अभी भी अलाइव हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ, हेल्थ किट लगा लेता हूँ। तो हेल्थ किट लगाने से मेरे को नहीं लगता है कि मेरी ज़्यादा हेल्थ रिकवर हो पाएगी, देखते हैं कितनी हेल्थ रिकवर होती है। तो मैंने हेल्थ किट लगा ली और मैं दौड़ते जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बचे हुए वही 5 बंदे, हो सकता है कि ये बंदे मेरे को एक जगह मिल जाएं या फिर अलग अलग जगहों पे हों, कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं। तो और यहाँ पे एक सामने की साइड एक बंदा है, तो चलिए सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे किल करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मेरे को मशरूम खा लेने चाहिए ताकि मेरी थोड़ी सी और एनर्जी हेल्थ बढ़ जाए और ताकि मैं और अच्छे से किल कर पाऊँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो सामने की ओर एक गाड़ी है और ये गाड़ी वाला बंदा हैकर है। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो मैंने आप लोगों का कि लास्ट के गेम में जो लास्ट प्लेयर मिलता है मेरे को हैकर होता है, और दोस्तों ओबियसली यही है, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर गाड़ी पर फायर कर दी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये, और मैं इसको किल कर रहा हूँ, यहाँ पे किल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरी गाड़ी गायब हो चुकी है और यहाँ पे एक और बंदा आ गया। पहले मैं इसको किल करता हूँ और उस हैकर को मैं इजीली कैसे किल करता हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और ये लीजिए मैंने इसकी लंका लगा दी यहाँ पर, और ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मेरे को ये बुलेट फायर हो रही है, पीछे की साइड से हो रही है शायद मेरे को ये बुलेट फायर। तो पहले मैं इस पीछे वाले को तोड़ देता हूँ, उसके बाद इस हैकर भाई से मिलेंगे हम और इससे हम फाइट भी करेंगे। तो ये लीजिए मैंने इसको यहाँ से स्पॉट कर लिया, ये बंदा मेरे पे पीछे से फायर कर रहा था, और ये लीजिए, और ये इस हैकर ने मेरे पे यहाँ पे देखो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और मेरी काफ़ी हेल्थ कम होगी। और आप लोग भी सोच रहे होगे कि इस बंदे को मैं बार बार हैकर क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देखा गाड़ी कैसे आगे पीछे हुई, और अभी मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये गाड़ी आगे जा रही है पीछे जा रही है, देखिए कितनी स्पीड से, तो देखते हैं ये लीजिए। और मैं इसको यहाँ पे देखिए कितनी बुलेट फायर कर रहा हूँ, और ये मैं बच गया। और ये देखिए दोस्तों इतनी बुलेट फायर करने के बाद प्लेयर किल हो जाना चाहिए, लेकिन ये प्लेयर किल नहीं हो रहा है। और मैं इस पत्थर पे चढ़ जाता हूँ यहाँ पे दौड़ के,
और यहीं पे खड़ा हो जाता हूँ। और वो देख सकते हो दोस्तों इतनी दूर गाड़ी कहाँ चलेगी। और ये देखिए अब मैं यहाँ पे स्कोप ऑन करता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों ये गाड़ी कितनी आगे पीछे कर रहा है और कितनी स्पीड से कर रहा है। तो ये बंदा हैकर है और मैं इसमें यहाँ पे देखिए इजीली किल कर दूँगा यहाँ पे। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको किल कर दिया और इसी के साथ हम जीत गए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों ने जरूर एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।